अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जो मिनी ऑसिलोस्कोप है फिनिक्स DSO TC3, इससे ट्रांजिस्टर को किस तरह टेस्ट करते हैं वो देखेंगे। तो इससे ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना बहुत इजी है। स्क्रीन पे सब कुछ बता भी देती है कि मतलब इसका बेस कलेक्टर एमिटर कौन सा है, ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। और यहाँ पे इसमें तीन ऑप्शन हैं, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रांजिस्टर को जैसे भी हम रखेंगे उल्टा सीधा पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पिन किस तरफ है आप रखें, तो ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करके बता देगी कि ट्रांजिस्टर कौन सा है और ठीक है या खराब है। लेकिन ये जो तीन ऑप्शन है KAA, ये डायोड के लिए हैं, जैनो डायोड या नॉर्मल सिंपल डायोड के लिए टेस्टिंग के लिए है, लेकिन ट्रांजिस्टर वगैरह या MOSFET टेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ये इस वक्त जो है सिग्नल जनरेटर मोड में है। बैक जाएंगे और यहाँ से एम टेस्टर की ऑप्शन में जाएंगे, टूल्स, ये एम टेस्टर, इस पर एंटर करेंगे। तो अब ये टेस्टिंग मोड में है। कोई भी ट्रांजिस्टर हम लेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3 बस यही यूज़ करनी है। अगर यहाँ पे चार ऑप्शन है लेकिन दो ही यूज़ करनी है, तो मैं इसको लगाता हूँ इसमें, इसको टाइट करते हैं और यहां पे ओके प्रेस करना है। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर PNP है, पिन 1 जो है वो कलेक्टर है, पिन 2 बेस है और पिन 3 एमिटर है, और ये बिल्कुल ठीक है। एक और लिया, इसको नेक्स्ट में मैं लगाता हूं। तो ये देखिए पिन 1 कलेक्टर, पिन 2 बेस, पिन 3 एमिटर और ये भी PNP है। तो ये देखिए ये ट्रांजिस्टर ने मतलब पिन 1 और 2 पे कुछ रेजिस्टर शो किया है, मतलब ये ट्रांजिस्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया, मतलब ये ट्रांजिस्टर खराब है। ये भी PNP है। पिन 1 जो है वो एमिटर है, पिन 3 बेस है और पिन 2 कलेक्टर है। ये भी खराब है। पिन 1 और 2 में इसने कुछ रेजिस्टेंस मतलब 64 ओम की रेजिस्टेंस शो की है, मतलब ये शॉर्ट है, जो पिन 1 है इसकी ट्रांजिस्टर की पिन 2 के साथ शॉर्ट है, तो इसलिए इसने ये रेजिस्टर शो कर दी है, तो इसका मतलब है कि ये भी खराब है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, पिन 1 एमिटर है, पिन 2 कलेक्टर और पिन 3 बेस, ठीक है। अब इसको अगर घुमा के भी लगाएंगे तब भी ये ठीक ही शो करेगा। ये NPN ट्रांजिस्टर है, पिन 1 एमिटर, पिन 3 कलेक्टर और पिन 2 बेस, ये भी ठीक है, ये थोड़ा बड़े साइज का है। NPN, पिन 1 बेस, पिन 2 कलेक्टर और पिन 3 एमिटर। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ हम इससे ट्रांजिस्टर टेस्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है कि बड़ी तेजी के साथ हम इनसे कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके और क्या क्या फीचर्स हैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।